का शिकार क्या किया भाई ने, अभी सीधा शेर मारना है, हार के रख देगा तेरी। पता है तुझे क्या चीज है? अब इसका क्या करे? करना क्या है? अब मेरी बारी। याद रख, बाप बाप होता है। सही बोला था। सिद्धांत चतुर्वेदी और राघव जुयाल की युद्रा मूवी का ट्रेलर 2 आ चुका है। हालांकि उम्मीद नहीं थी इसका ट्रेलर 2 भी आएगा, क्योंकि रिलीज डेट बहुत ही पास में है, 20 सितंबर को ही यह मूवी रिलीज होने वाली है। लेकिन आज की डेट में इसका ट्रेलर 2 भी लॉन्च कर दिया गया। अब ट्रेलर 2 में क्या नया आया, क्या एडिशन आया, ये सारी डिटेल्स में लेके आ गया हूँ आपके सामने, जो कि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए बेल बटन पर, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही में वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियो पर, और अपने दोस्तों के बीच में यह वीडियो शेयर करिए। और सबसे बड़ी चीज़, मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको देता हूँ मूवीज HD प्रिंट में, साथ में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो नहीं मिल पाती है यूट्यूब वीडियोज में। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के। ट्रेलर 2 लॉन्च हुआ, ट्रेलर 1 से बिल्कुल अलग, जस्ट एक क्लिप यहाँ पर डाली गई ट्रेलर 1 की, ट्रेलर 2 में जो कि बहुत गर्म हो रहा है वो वाली क्लिप। उसके अलावा यहाँ पे पूरा ही ये ट्रेलर 2 जो है वो बिल्कुल नया है, और इसमें ज़्यादा फोकस किया गया है राघव के, जो कह सकते हैं एक खतरनाक लुक पे फोकस किया गया है, कि कितने खतरनाक हैं और क्या करेंगे सिद्धांत के साथ में उस पर। और ट्रेलर 2 जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 1 मिनट का ही ट्रेलर, और फुल ऑफ एक्शन। यहाँ पे बहुत सारे एक्शन आपको देखने को मिलेंगे इस ट्रेलर 2 में। तो मूवी को मैं ये बिल्कुल दिखाना चाहते हैं कि ये मूवी फुल ऑफ एक्शन होने वाली थी, जैसा कि जो राघव की थोड़े दिन पहले मूवी आई थी किल, जो कि फुल ऑफ एक्शन थी, एक ट्रेल में ही पूरी मूवी बना दी गई थी। स्टोरी ज़्यादा नहीं थी मूवी में, लेकिन लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। लेकिन इस मूवी में थोड़ी स्टोरी भी लग रही है, क्योंकि जब ट्रेलर 1 हमने देखा था वहाँ पे स्मगलिंग के बारे में भी दिखाया गया था, फॉरेन लोकेशंस भी दिखाई गई थी। तो यहाँ पे स्टोरी के साथ में फुल ऑफ एक्शन भी यह मूवी होने वाली है। और इसके डायलॉग डिलीवरी की बात करें तो फरहान अख्तर ने इसके डायलॉग्स को बनाया है, लिखा हुआ है, और साथ में उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है इस मूवी को। तो फरहान अख्तर को जैसा कि हम जानते हैं वो भी एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, साथ में मल्टीपल चीज़ें करते हैं। तो इस मूवी में उन्होंने डायरेक्ट अपने डायलॉग्स भी दिए हुए हैं और पैसा भी लगाया हुआ है, यानी कि वो इस मूवी को ऐसे वैसे नहीं जाने देंगे। वो अगर कर रहे हैं तो ये मूवी भी कमाल करने वाली है। हालांकि जिनको एक्शन मूवीज़ पसंद है वो इस मूवी को जरूर देखेंगे, लेकिन जिनको एक्शन नहीं पसंद है, खून खराबा नहीं पसंद है, वो इस मूवी के आसपास भी नहीं आने वाले हैं। मूवी की अगर और हम म्यूज़िक की बात करें, एक्शन की बात करें, तो वो सारे ओके लग रहे हैं, कुछ कमी नहीं लग रही है। लेकिन कुछ जो जैसे कि ओवर एक्टिंग टाइप की भी कुछ लग रही है, जैसे कि वो सो रहे होते हैं सिद्धांत, तो जैसे उनसे पूछते हैं जब वो बोलते हैं कि अब मेरी भी बारी आएगी, तो वो थोड़ा सा लगा कि ओवर एक्ट कर दिया गया। तो ऐसी सारी चीज़ें देखते हैं मूवी में और कितनी हमें देखने को मिलती हैं। राघव की बात करें तो राघव अपने एक्ट में बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं, उनके कहीं से हमें कमी नहीं, जैसे हैं वो वैसा दिखा रहे हैं अपने एक्टिंग को, तो राघव बिल्कुल भरपूर निकल के आ रहे हैं। अब अगर इस मूवी की रिलीज़ की बात करें तो थिएटर रिलीज़ होगी 20 सितंबर को, यह रिलीज़ की जाएगी, तो थिएटर में यह मूवी हमें देखने को मिलेगी। कितनी जनता जाती है, कितना यह ब्लॉकबस्टर होती है, या कितना हिट होती है या फ्लॉप होती है, ये तो टाइम ही बताएगा। फिलहाल अभी से देखें तो ज़्यादा बड़ी तो नहीं, क्योंकि ये स्टोरी इसकी बिल्कुल साइडलाइन कर दी जाए तो ये स्टोरी बिल्कुल सिंपल टाइप की लग रही है, और साथ में केवल और केवल एक्शन ही लग रहा है। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले जॉन अब्राहम की मूवी आई थी बेदा, जिसने ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा था, उस टाइप की ये भी मूवी लग रही है। तो एक्शन के जो दीवाने हैं वो इसको जरूर देखने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो स्टोरी उतना लोगों के ऊपर छाप नहीं छोड़ने वाली जितनी उम्मीद है इस मूवी से। तो देखते हैं, अब तो फिलहाल ट्रेलर की कोई उम्मीद नहीं कि ट्रेलर 3 आएगा, तो ट्रेलर 2 तो आ चुका है, अब सीधे थिएटर में हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।